दोस्तों अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस में कुछ इलेक्शंस हुए थे। अलग अलग बॉडीज में इंडिया को चुना गया, इसमें से एक है इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड। निर्विवाद इसमें चुनाव हुआ और अपने थर्ड टर्म के लिए जगजीत पवाड़िया को इसमें री इलेक्ट किया गया। यूनाइटेड नेशंस में भी 17 वैकेंसीज के लिए इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में इलेक्शन कराए गए। तो ये जो इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड है, ये जो इलिसिट ड्रग्स होती हैं, मतलब जिन पदार्थों का मेडिसिनल यूज होना है उन्हें रेगुलेट करना, उनकी सप्लाई को मैनेज करने का काम करता है ये बोर्ड। इसमें चयन हुआ है भारत का। भारत का चयन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत के दोनों ओर वेस्टर्न साइड में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान मिलकर गोल्डन क्रिसेंट बनाते हैं, और वहीं ईस्टर्न साइड में म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम मिलकर गोल्डन ट्रायंगल का निर्माण करते हैं। इन सभी क्षेत्रों में अफीम की खेती होती है, जो एक इलिसिट ड्रग है। इसकी सप्लाई को कंट्रोल करना जरूरी है क्योंकि नशीला पदार्थ है, सिर्फ मेडिसिनल यूज होना इसका बहुत जरूरी है, इसलिए भारत का इलेक्ट होना बहुत जरूरी था। भारत दूसरे कुछ डिपार्टमेंट्स में भी इलेक्ट हुआ है, जैसे कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमन 2025-29 के लिए, एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड 2025-27 के लिए, एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड एंड द यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विस 2025-27 के लिए, एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द यूनाइटेड नेशन एनआईटी फॉर जेंडर इक्वालिटी द एम्पावरमेंट ऑफ वुमन 2025-27 के लिए, फिर एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 2025-27 के लिए। इन सभी एरिया में भारत को चुना गया है। अब यहाँ पर यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एक प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, जो सोशल, कल्चरल, हेल्थ मैटर पर, ह्यूमन राइट्स पर, फंडामेंटल फ्रीडम्स पर वर्क करता है। इसमें 54 मेंबर्स होते हैं जिन्हें जनरल असेंबली के द्वारा इलेक्ट किया जाता है 3 ईयर्स के टर्म के लिए। ये यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स को, यूनाइटेड नेशन को पॉलिसी रिकमेंडेशन भी इशू करता है। तो बस ये था आज का लेक्चर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो फ्रेंड्स के साथ। पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।